ठीक है, तो सबसे पहले अपना काम होता है, द फर्स्ट वर्क इज टू ड्रॉ फिगर। आपको सबसे पहले फिगर ड्रॉ करनी होती है। अब फिगर में क्या करोगे आप, फिगर में कॉन्वेक्स लेंस लोगे, कॉन्केव लेंस लोगे, और उनको कॉन्टेक्ट में दिखाओगे एक दूसरे के साथ। तो ये हमारा एक पहले कॉन्वेक्स लेंस हो गया, दूसरा आप ले सकते हो कॉन्केव लेंस, ले लिया मैंने कॉन्केव लेंस। तो ये मेरा लेंस L1 हो गया और ये हो गया L, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस यहां पे ये मेरा हो गया ऑप्टिकल सेंटर पहले वाले लेंस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर मेरा सेकंड वाले लेंस का, ठीक है। यहाँ पे आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लोगे, बिकॉज आपको मैंने लास्ट डेरिवेशन में भी बताया था, वेन एवर टू लेंसेज आर इन कॉन्टेक्ट यू नीड टू टेक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट आपको लेना होगा। तो यहाँ से आप एक रे लोगे, तो रे ने हिट किया आपके कॉन्वेक्स लेंस को। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज। तो इसने कन्वर्ज किया रे को, इस तरह से कन्वर्ज कर दिया, ठीक है। अब अगर ये लेंस नहीं होता है, इफ L2 लेंस इज नॉट प्रेजेंट हियर, अगर प्रेजेंट ना होता तो ये रे ऐसी की ऐसी डॉटेड में दिखा रहा हूं मैं, ऐसे चली जाती। ठीक है, अगर सेकंड लेंस प्रेजेंट नहीं होता तो, पर वो तो एक्चुअली में प्रेजेंट है। अब कॉनकेव लेंस क्या करता है, वो डाइवर्ज करता है। तो जैसे ये रे कॉनकेव लेंस पे यहां गिरेगी, तो अगर नहीं प्रेजेंट होता तो ऐसे चली जाती है, अगर प्रेजेंट तो है पर, तो वो क्या हो जाएगी, हल्की सी डाइवर्ज हो जाएगी यहां से। हाँ, हल्की सी आप उसको डाइवर्ज कर दो इस तरह, तो हल्की सी वहां से रे डाइवर्ज हो गई, यहां पे आपकी रे मीट करे, ठीक है। तो ये एक रे आप फिर यहां से ले सकते हो, ये सेकेंड रे ले ली मैंने, और दो रे जब मीट करेगी तो आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी। तो यहां पे आपकी एक्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है, यहां पे आपकी इमेजिनरी वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, दिस विल बी योर इमेज डिस्टेंस v, और ये हो जाएगा आपका इमेज डिस्टेंस v डैश। अब काम शुरू करते हैं आपके डेरिवेशन पे। सबसे पहले थ्योरी कैसे लिखोगे, तो थ्योरी में आप लिख सकते हो, लेट अस कंसीडर टू लेंसेज, वन इज कॉन्वेक्स लेंस नेम्ड L1, सेकंड इज कॉनकेव लेंस, आपने उसको नाम दे दिया L2। O1 एंड O2 आर द ऑप्टिकल सेंटर्स रिस्पेक्टिवली। फिर आप इनकी फोकल लेंथ बता सकते हो, लेट F1 इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड F2 इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, या आप कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ बता सकते हो। अब इसके बाद काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पहले लेंस पे काम शुरू कर रहा हूँ, 4L1, पहले वाले लेंस पे काम शुरू कर रहा हूँ। इसके लिए आप लेंस फॉर्मूले का यूज करोगे, तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला ये आपका लेंस फॉर्मूला होता है, 1 by f = 1 by v - 1 by u, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करोगे, और आपको पता है वैल्यूज पुट करते वक्त u और v के साइन पुट नहीं करने हैं। हाँ, फोकल लेंथ का साइन पॉजिटिव नेगेटिव आप पुट कर सकते हो, मैंने बताया था आपको, बिकॉज ये डेरिवेशन ऑलरेडी ड्राइव हो चुकी है और इसमें साइंस हम u v के ऑलरेडी पुट कर चुके हैं, तो हम उस डेरिवेशन के रिजल्ट का यूज कर रहे हैं बस यार। हाँ, f का आप साइन पुट कर सकते हो, क्योंकि ये लास्ट में रिजल्ट ड्राइव हुआ था, F का हमने कोई साइन पुट नहीं किया था। तो फोकल लेंथ आपकी है F1। इमेज का फॉर्म कर रहा है पहला लेंस I डैश पे, तो यहां पे आ जाएगा आपका V डैश, और ऑब्जेक्ट कहाँ था, U पे था। तो दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे आप सेकंड लेंस पे काम शुरू करोगे, फॉर लेंस L2,
सेकंड लेंस। तो सेकंड लेंस के लिए वही लेंस फॉर्मूला यूज करोगे, यूजिंग लेंस फॉर्मूला यूज तो दोनों के लिए करना है। ये आपका लेंस फॉर्मूला है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दोगे तो फोकल लेंथ आपकी F2 है बट विद माइनस साइन, क्योंकि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और मैंने बोला था विद साइन आपको फोकल लेंथ पुट करनी है। इमेज डिस्टेंस, ये इमेज फॉर्म कर रहा है आई पे, तो इमेज डिस्टेंस आपका वी हो जाएगा। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके लिए वी डैश माना जाएगा। मुझे मैंने आपको लास्ट डेरिवेशन में भी ये चीज बताई थी दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस विल सर्व एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड। तो इमेज पहले लेंस ने फॉर्म की थी आई डैश पे, तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी सेकेंड लेंस के लिए। तो इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट विल सर्व एज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड मीन्स आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेकेंड लेंस के लिए वी डैश हो जाएगा। आप साइड में ये चीज लिखोगे भी, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देना और ये रीजन लिख देना, इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट one will serve as object for L2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आप क्या कर दोगे, यू आर गोइंग टू एड इट अप, 1 + 2 गिव्स, तो लेफ्ट साइड यू आर गोइंग टू एड इन लेफ्ट साइड, राइट साइड को राइट में ऐड करोगे। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, चेक कर लो, तो आपको मिल जाएगा 1/f 1 - 1/f2 = 1/v - 1/u, और 1/v - 1/u होता है 1/f। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, डेरिवेशन का, इससे पहले वाली डेरिवेशन थी टू कॉन्वेक्स लेंसेज इन कॉन्टेक्ट और उसका रिजल्ट आया था अपना 1/f1 + 1/f2 = 1/f। एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं डेरिवेशन को। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन इस तरह से दिया जाएगा कि यू हैव टू लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉन्केव लेंस, दे आर इन कॉन्टेक्ट, देयर फोकल लेंथ इज f1 एंड f2, फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पुट ऑन होता है बोर्ड एग्जाम में। तो आप दो लेंसेज लोगे, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, मैंने ले लिए, ऊपर नाम लिख दो कि L1 L2 लेंसेज है, ऑप्टिकल सेंटर O1 O2 इसके ले लिए मैंने। यहाँ पे नीचे आप इसकी फोकल लेंथ बता सकते हो, पहले की F1 है, दूसरे की F2 है। अब यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट लोगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट से रे लोगे, अब कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है तो वो कन्वर्ज करेगा रे को। अब अगर सेकेंड लेंस में जब रे जा रही है, अगर सेकेंड लेंस प्रेजेंट ना होता तो रे ऐसी की ऐसी डॉटेड में जैसे मैंने दिखाई ऐसे आ जाती, बट क्योंकि कॉनकेव लेंस प्रेजेंट है, L2 लेंस इज देयर, तो L2 लेंस जो कि एक डाइवर्जिंग लेंस है, कॉनकेव लेंस है ना, तो वो यहां से जहां पे इंसिडेंट होगी ना कॉनकेव लेंस पे, वहां से रे को डाइवर्ज कर देगा, हल्का सा मोड़ देगा, इस तरह फैला देगा और आपकी इमेज यहाँ फॉर्म होगी। तो ये होगी डॉटेड वाली आपकी वर्चुअल इमेज, दिस विल बी योर रियल इमेज जो फॉर्म होगी। सेकेंड रे आप यहाँ से ले सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस वगैरह आप बता दोगे, फिर शुरू करोगे। पहले लेंस के लिए आप बताओगे भाई फर्स्ट लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और इसमें आप वैल्यूज पुट करोगे यू वी और एफ की। एफ के केस में आप साइन पुट कर सकते हो, मैंने पहले ही बताया, यू वी में साइन पुट नहीं करना, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। दोबारा ऐसे अगर साइन पुट करोगे तो गलत हो जाएगा, पुट कर दिया। उसके बाद लेंस टू के लिए काम करोगे, सेम लेंस फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं और फोकल लेंथ सेकेंड लेंस की नेगेटिव है, नेगेटिव मैंने पुट की, इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने पुट कर दिया। और दिमाग में रखना है जो पहला ऑब्जेक्ट इमेज बनाएगा इट विल सर्व एज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड,
तो इमेज बन रही है फर्स्ट ऑब्जेक्ट की यहाँ वी डैश पे, तो वी डैश विल बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर सेकंड, तो यू की जगह मैंने वी डैश लिख दिया। साइन पुट नहीं करने हैं, जस्ट फोकल लेंथ में पुट करने हैं। उसके बाद दोनों इक्वेशन को आप कंपाइल कर दोगे, एड ऑन कर दोगे, बिकॉज बोथ आर इन परफेक्ट, लेफ्ट साइड लेफ्ट में, राइट साइड राइट में आपकी एड हो जाएगी। और एड करने के बाद जो वर्चुअल वाली टर्म है ना वी डैश, ये अपने आप कैंसिल हो रही होगी, नो प्रॉब्लम, इसकी टेंशन नहीं लेनी है। राइट साइड में 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बचेगा एंड इट विल बी इक्वल टू 1 बाय एफ। तो यू गॉट फाइनल रिजल्ट 1 बाय एफ 1 माइनस 1 बाय एफ 2 इज इक्वल टू 1 बाय एफ। इससे पहले वाले में आपका रिजल्ट बनाया था 1 बाय एफ 1 प्लस 1 बाय एफ 2 इक्वल टू 1 बाय एफ, वो उसमें आपके दोनों लेंसेज कॉन्वेक्स थे, इसमें एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव है। अच्छा, न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था, व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर न्यूमेरिकल्स वहां पे प्लस वाला ही यूज करना फॉर्मूला, F1, F2 के साइन के साथ वैल्यूज पुट कर देना। मैंने आपको कल लास्ट क्लास में भी बताया था, आपकी न्यूमेरिकल नंबर 12 है समथिंग आपके इसमें एनसीईआरटी में, रिओप्टिक्स में 12th है या 10th है, आप चेक कर सकते हो, लेंस कॉम्बिनेशन के ऊपर ही है। एंड उसमें आप कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज कॉन्टेक्ट में है, तो वहां पे ये फॉर्मूला डायरेक्ट जंप मत करना, इसके ऊपर आप जनरल फॉर्मूला यूज करोगे ये वाला। बस इसमें कॉन्वेक्स लेंस है तो आपका पॉजिटिव वैल्यू पुट कर देना F1 की, और सेकंड कॉनकेव लेंस है तो उसमें F2 की नेगेटिव वैल्यू पुट कर देना, बस ये करना है। वरना अगर आप ये वाला रिजल्ट यूज करोगे वहां पे तो आपको साइन को अवॉइड करना पड़ेगा, फिर वो ध्यान नहीं रहता है कई बार। तो जनरल आप ये यूज करो हर लेंस कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स के लिए, और वहां पे अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव पुट कर दो, नेगेटिव तो नेगेटिव पुट कर दो। आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग। नेक्स्ट वीडियो में आपके कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह मैं डिस्कस कर दूंगा जो बोर्ड के इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। सी यू टुमारो, बाय, टेक केयर।